बोल रहा। तो ये है आपके सामने टॉप बॉक्स 2.2 के एक्सेसरीज। बैक टू माय चैनल, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए चलते हैं, आज का भी ब्लॉग शूट करते हैं। कुछ न्यू चीज हो गया, न्यू डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी हो गया तो आपको एट द एंड ऑफ द डे बता दूंगा। डेवलपमेंट तो इन द सेंस नहीं चल रहा है, बट स्टॉक रेडी होगा शायद साइलेंसर गार्ड और एक्स ब्लेड के लेडीज फुटरेस्ट का, तो अगर से होता है तो वो बता दूंगा मैं आपको। तो चलिए आप आज का मोटो ब्लॉग चालू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग फिर से। तो मिनी लॉकडाउन के 2 दिन खत्म हो गए, तो आज ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट मुझे आज इतना देर हुआ नहीं है तो आराम से जाऊँगा, इतना कुछ फास्ट जाऊँगा नहीं। जो 2 दिन जो थे मिनी लॉकडाउन के वो आज ख़त्म हो चुके हैं। तो MT15 के तीनों भी गिव अवे ख़त्म हो चुके हैं अभी। अब नेक्स्ट गिव अवे कब होगा किसे पता, क्योंकि महाराष्ट्र में लगने वाला है लॉकडाउन 8 या 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का, फिक्स कितना दिन का रहेगा पता नहीं बट लगेगा ज़रूर। तो 2 दिन टोटल लॉकडाउन सिर्फ इंडस्ट्रीज छोड़कर, तो आज लोग उतरे हैं सड़कों पर और ये होटल 2 दिन से बंद थे, आज फिर से चालू हो गए हैं। आज फिर से चालू हो गए पूरे होटल्स और ये ट्रैफिक भी आज देखिए, कल कुछ ट्रैफिक नहीं था, आज देखिए ट्रैफिक। क्या पता आप कितने दिन का लॉकडाउन लगता है, क्योंकि पहले के मुकाबले अभी केसेस काफ़ी बढ़ गए, तो क्या पता 8 दिन के बोल के वो बढ़ाते या घटाते, अब वो तो उनके ऊपर ही है पूरा अभी। क्योंकि पिछले बार भी बोला था कि 15 दिन का लॉकडाउन लगेगा, बट वो बढ़ बढ़ के पूरा 2 महीने के ऊपर चला गया था। लास्ट दिवाली तो कुछ राइड्स वगैरह हुए ही नहीं थे मेरे, घर पर ही था क्योंकि एक्स ब्लेड के ऊपर काम कर रहा था, मेगाट्रॉन के ऊपर, तो उसी में पूरा दिवाली चला गया। बट उससे पहले जो दिवाली था उसमें मैंने किया था, मीन्स एक राइड ज़्यादा लंबा नहीं था बट ऑलमोस्ट उसके अंदर जो है मैंने काफ़ी सारा राइड्स किया था। जैसे यहाँ से निकला था पहले सातारा गया, सातारा के आसपास काफ़ी सारे राइड्स किए, घर हो गया, वजराई वाटरफॉल हो गया, एक ही वाटरफॉल, मीन्स मोस्टली वाटरफॉल्स ही हो गए थे। उसके बाद मैंने दूसरे दिन महालेश्वर टेंपल, जो कि प्रॉपर जंगल में है और ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो वो दिखाने के लिए गया था। बट वो टाइम पे मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करता था तो वो राइड इतना कुछ खास शूट नहीं हुआ था। उसके बाद थर्ड डे मैं महाबलेश्वर गया था, प्रतापगढ़ वगैरह। वो तो छुट जाएंगे अभी। टॉप बॉक्स का स्टेटस जानना और उसके जो एक्सेसरीज है जैसे कि कॉर्नर्स हो गया, फिर उसके बाद लैच लॉक्स हो गया, उसको फाइनल करना है, तो उसके पास बढ़ता हूँ फिलहाल मैं अभी। कहाँ से मिलता है देखता हूँ, वो कॉर्नर्स कौन बना के देगा पता नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग पेंडिंग है उसका कॉर्नर्स का, और पेंटिंग तो कुछ टेंशन, पेंटिंग का कुछ टेंशन नहीं क्योंकि पाउडर कोटिंग वाला दोस्त ही है मेरा,
चलिए जाते बराबर फ़ोन करना चालू करता हूँ एक दो कॉन्टैक्ट्स को, अगर से उन्होंने कॉर्नर्स बना के दे दिया एल्यूमिनियम का। आई रिपीट, कॉर्नर जो है एल्यूमिनियम में है क्योंकि इसमें मिल नहीं रहे मुझे, इसमें मिले नहीं मुझे अभी तक, रबर या प्लास्टिक में या नायलॉन में जो भी है। काफ़ी चार्जेस मांग रहे यार, कढ़ाई बनाना पड़ेगा बनाने के लिए तो काफ़ी कॉस्टली जा रहा है, ऑलमोस्ट 50,000 के करीब जा रहा है भाई पहला सेट, तो इतना मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ ना भाई स्टार्टिंग में। बाद में ठीक है थोड़ा बहुत जब डेवलपमेंट हो गया तब करेंगे, बट अभी नहीं कर सकता हूँ ना इतना जल्दी। टॉप बॉक्स का डेवलपमेंट काफ़ी दिनों से पेंडिंग था तो आज कर रहा हूँ मैं। थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड कीजिए। उसके साथ ही साथ ये देखिए लैच का भी डेवलपमेंट चल रहा है, बाकी सब चालू हो चुका है। और ये मेरी कस्टम प्लेट जो कि न्यू है, तो काफ़ी काम चल रहा है अभी टॉप बॉक्स का, तो ये जल्द से जल्द आपके सामने लाना ही है। तो ये चल रहा है ड्रिल का काम, सभी लैच वगैरह के पोजीशन निकाल दिया तो अभी उसको ड्रिल करके बिठाऊंगा, उसके बाद पेंटिंग को भेजूंगा। तो होपफुली लॉकडाउन में ये मुझे मिल जाए तो काफ़ी सही काम हो जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। निकालना पड़ेगा, पाँच का मारो ड्रिल, छः का नहीं चलेगा, पाँच का मारे निकालना पड़ेगा। काई को जंतर नहीं मिल रहा ना। अरे यार अंकल ऐसा घुमाओ ना, ऐसे क्या कैसे यार अंकल यार काम, ये राजू के साथ रह गया आप भी ऐसे हो रहे हो मालूम क्या। हाँ चलो परफेक्ट करो जल्दी जल्दी पेंटिंग को भेजने का, दो दिन में लॉकडाउन है। ये चल रहा है कॉर्नर्स का काम जो कि मैंने बताया था आपको कि मेटल मुझे नायलॉन या प्लास्टिक में नहीं मिल रहे तो मैं उसको एल्यूमिनियम में बनाऊँ ताकि वेट भी लो रह सके। और ये टॉप प्लेट ऐसे सिस्टम का जो कि रिलीज मैकेनिज्म के साथ बनाया मैंने। वीडियो को काफ़ी कुछ ही दिनों में आपको फाइनल प्रोडक्ट का भी डिटेल मिल जाएगा। टॉप बॉक्स और पेनियर्स का टॉप टू टॉप प्लेट में जो कि रिलीज मैकेनिज्म है उसको फाइनल कर रहा हूँ मैं। इस बार मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सीडेंट के बाद लेफ्ट शोल्डर जो है वो काफी पेन कर रहा है, उसकी वजह से इस बार मैं खुद काम नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए दूसरे को ही करा रहा हूँ। ये राजू भाई, राजीव भाई और ये हमारे अंकल सारा काम कर रहे हैं। पिछले बार जो थे वो सलीम अंकल थे, उनका और मेरा कुछ ज्यादा बना नहीं इसीलिए उन्होंने छोड़ के चले गए काम। तो ये अभी मैं रिलीज मैकेनिज्म के लिए जो मुझे दो स्क्रू मींस फिट करने पड़ेंगे वो मैं लगा रहा हूँ इधर, ताकि रिलीज मैकेनिज्म का लैच जहाँ पर लगेगा उसका मींस ऑलरेडी बना नहीं था ना क्योंकि बॉक्स के हिसाब से मुझे चेंजेस करना था, तो ये दोनों लगे उसके लिए पीछे ही। काफ़ी हेल्प किया इन्होंने बनाने के लिए, तो ये आप समझ ही जाओगे बाद में जब फाइनल हो जाएगा तो एक होल्स क्यों ऐड किए हैं। ये जो टॉप बॉक्स का जो कवर है उसके अंदर मैंने सब उसके एक्स्ट्रा एक्सेसरीज रखे जो कि फिटमेंट में काम आएंगे, लैचेस उसके बाद कॉर्नर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखे हैं। अब जाएंगे पाउडर कोटिंग को, तो ये है लैच और ये है टॉप प्लेट जो यूज़ होगा रिलीज मैकेनिज्म के लिए। तो इसको बिठा के देखता हूँ मैं अभी फ़िलहाल लगेज के पापा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है क्या, उसके बाद पता चलेगा। शायद से जो टॉप प्लेट मैंने आपको दिखाया उसमें चेंजेस करना पड़ेगा मुझे, जो मैं कर दूँगा पेंटिंग को देने से पहले ही। तो ये हो गए सब रेडी। हाँ अभी इसको शॉर्ट ब्लास्टिंग को भेजूंगा। आज का दिन समाप्त करते हैं, काफी हेप्टिक था, 8:30 बज गए हैं। तो टॉप बॉक्स के लिए भाई शुक्रिया भाई, समाधान भाई भाऊ तुम्ही मदतीला आले हा का, धन्यवाद हा का। तो गाइज एक खुशखबरी है, टॉप बॉक्स का रिलीज मैकेनिज्म जो था वो काम कर गया, अब सिर्फ उसको पाउडर कोटिंग जल्द से जल्द कर लूँ। सोचा था कि लॉकडाउन में नहीं होगा बट आज पूरा मींस पूरा ताकत लगा दिया, 4-5 आदमियों को लिया और उसका काम कर दिया। तो आई गेस ये कुत्ता मेरे को भोंकने के लिए आने वाला है, नहीं तो आई गेस टॉप बॉक्स और पेनियर्स पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा हो गया, सिर्फ पाउडर कोटिंग बचा है। कॉर्नर्स का काम नहीं हुआ सही से,
बट जितना हो सकता है उतना ट्राई करूँगा आपके लिए कॉर्नर्स अच्छे से अच्छे लाने के लिए। आज पुणे में काफ़ी बारिश हो गया है तो मौसम काफ़ी सही हुआ है, गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा, नहीं तो कल इतना गर्मी हो रहा था। तो कल सुबह आते बराबर यहाँ पाउडर कोटिंग को भेज दूंगा और उसको रिक्वेस्ट किया पाउडर कोटिंग वाले को कि भाई लॉकडाउन होने से पहले ही मुझे दे दे। तो ये ब्लॉग कब आएगा पता नहीं, बट ये ब्लॉग के बाद तो मेकिंग ऑफ टॉप बॉक्स इंपेनियस पार्ट टू बन जाएगा ये पक्का। तो काफ़ी सारा काम किया है ना टॉप बॉक्स और पेनियस के पीछे, आज लैच का काम किया है। लैच भाई लैच काफ़ी सही चीज़ है जो ज़्यादा मिलता नहीं है, तो यार जुगाड़ नहीं होगा ये बार, इतना जुगाड़ नहीं करूँगा ज़्यादा, मैं परफेक्ट बनाना है भाई। पिछले बार बॉक्सेस में जुगाड़ तो नहीं हो गया था बट रिलीज मैकेनिज्म का काम नहीं हो गया था, तो इस बार रिलीज मैकेनिज्म बाहर परफेक्ट हो जाएगा। तो आपके लिए कल आया हूँ मैं, तो आप ज़रूर देखिए, उसमें एक चीज़ रहेगा ऐड करने का, तो अच्छा हो गया याद आ गया, तो वो भी कर दूंगा मैं ऐड। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तक सपोर्ट किया है तो आगे भी करते रहिए। तो आपके लिए ताकि प्रीमियम एक्सरसाइज ला सकूँ, हाँ एल्यूमिनियम नहीं दे रहा हूँ मैं मटेरियल में, बट आपको वो जो फील रहेगा जो टॉप बॉक्स और पैनियर्स का जो आना चाहिए कि भाई हमारे गाड़ी पे भी प्रीमियम पैनियर्स है, तो वो आ जाएगा आपको। तो होपफुली अगर से थर्सडे को लॉकडाउन नहीं होता है तो रेडियम भी बिठा दूंगा ना, अगर लॉकडाउन होता है तो भाई रेडियम नहीं आएगा, तो उतना संभाल के ले लो भाई आप लोग। तो पता चला है कि चेकिंग काफ़ी ज़ोर में हो रहा है क्योंकि 6 बजे के बाद लॉकडाउन है। ट्रेलर वाले भाई काफी लंबा ट्रेन लेते हुए, बट अगर रुक गया तो काफी बीच में आ गया था मैं, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना भाई, बट क्या मजा आता होगा ट्रेलर चलाने में, दिक्कत भी तो होती रहेगी बट मजा भी आता होगा यार। लाइक अ किंग यू रूल द वर्ल्ड रोड मैन, इट्स अमेजिंग भाई। बस वेनेसडे सब रुक जाए, मेरा माइक आ जाएगा वेनेसडे या थर्सडे को, तो मेरा और एक व्लॉग हो जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा, मोटो व्लॉग यानी कि सादा व्लॉग तो आएगा ही, बट अगर मोटो व्लॉग होगा तो काफ़ी सही हो जाएगा बाइक आने के बाद, तो मेरा टेस्ट भी हो जाएगा प्रॉपरली और आपके सामने लेके आऊँगा मैं प्रॉपरली। ये माइक ने भाई बहुत टेंशन दिया है यार, माइक पे रिकॉर्डिंग बराबर हो पा नहीं है कुछ नहीं, और विंड ब्लास्ट तो इतना आता है भाई कि ऐसा लगता है कि सादा मोबाइल का माइक यूज कर रहा है। अपने घर के नज़दीक आज का दिन समाप्त करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आज जो है मैं एंड में गिव अवे का विनर वगैरह कुछ अनाउंस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने टॉप बॉक्स और पेनियर्स देख लिया है, तो आज का कंटेंट वही था टॉप बॉक्स का मेकिंग, जो कि न्यू डेवलपमेंट चल रहा था कि मैंने टॉप बॉक्स और पेनियर्स ऑलरेडी बना दिया है मैंने प्रीमियम, बट उसका रिलीज मैकेनिज्म पे काम नहीं किया था अभी तक, तो उस पर काम कर दिया है, तो उसका भी वीडियो आ जाएगा कुछ ही दिनों में। ओके तो अभी चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अभी कल मिलते हैं आपको।